यहाँ कोई एटीएम है क्या आसपास? पूरे स्टेशन के आसपास नहीं है? ओवरब्रिज को उतना दूर जाना पड़ जाएगा? अरे बड़ा समस्या है, एटीएम तो होना चाहिए। 2 बजे 3 बजे रहा था ना, इसलिए मुझे ये सब फोन। सर आप मेरे को 500 रुपये दे सकते हैं, मैं आपको फोन पे कर देता हूँ। है ही नहीं वही हमारे स्टाफ हमारे साथ आप ही हैं, हम लोग लिमिट में पैसे रखते हैं। वो कहाँ रहता है? 3-4 बाहर नहीं रहता ज्यादा ना। ठीक है मैं एटीएम से निकाल के ला स्टेशन पूछ के देखते हैं उनसे, फोन पे कर दे रहा हूं। हां या फिर उनको बोलूंगा एटीएम बनवा आप स्टेशन में। कहीं पे एटीएम है क्या? का मोबाइल वाला एटीएम या मशीन, वो पैसा निकालने वाला मशीन? इधर आगे चला जाए, वो आगे पूरे स्टेशन में कहीं नहीं, इतना बड़े स्टेशन आगे चले, आगे मिलेगा। कितना दूर है? ऑटो चल जाए, ऑटो पे ऑटो में जाना पड़ेगा। सारी गलियां तेरी जगमगा दूंगा मैं, हर सुबह तेरी खुद को बना दूंगा मैं। सारी गलियां तेरी जगमगा दूंगा मैं, हर सुबह तेरी खुद को बना दूंगा मैं। तू चले भी जो घर से निकल के कहीं, रस्ते में खुद को बिछा दूंगा मैं। खुदा जाने मुझ में तू क्या देखती है, मैं तुझ में खुदा का करूं देखता हूँ। खुशी जब भी तेरी, ओ खुशी जब भी तेरी। स्टेशन के आसपास नहीं है? ओवरब्रिज को उतना दूर जाना पड़ जाएगा? अरे बड़ा समस्या है, एटीएम तो होना चाहिए। कोई भी एटीएम किसी का भी नहीं है स्टेशन में? अरे बाप रे, इतने बड़े स्टेशन में एक भी एटीएम नहीं है। बिलासपुर का सेकंड सबसे बड़ा और सिटी के सबसे पास वाले स्टेशन है जहाँ एक भी एटीएम नहीं है। अब क्या करें, बड़ा समस्या। यहाँ के टिकट काउंटर में पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, कार्ड, किसी से ट्रांजैक्शन नहीं होता। बड़ा समस्या है।
गवर्नमेंट कैशलेस होना चाहती है और कोई भी गवर्नमेंट विभाग में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का ढंग से सुविधा ही नहीं रहता। हिपोक्रेसी। अभी इंडिया अपना डिजिटल करेंसी भी लॉन्च करने वाला है, और ये देखो बिलासपुर का सेकंड सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, और छत्तीसगढ़ का वन ऑफ द मतलब वो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेशन में से एक स्टेशन है, और इस स्टेशन में एक भी एटीएम नहीं है। खाक सुविधा है उसलापुर रेलवे स्टेशन में, बिलासपुर सिटी के मिड का ये स्टेशन। क्या करें, भैया कहीं पे एटीएम है क्या? मोबाइल वाला एटीएम भैया, मशीन वो पैसा निकालने वाला मशीन। इधर आगे चला जाए, वो आगे पूरे स्टेशन में कहीं नहीं, इतना बड़ा स्टेशन आगे चला, आगे मिलेगा। कितना दूर है? ऑटो चल जाए, ऑटो पे ऑटो में जाना पड़ेगा। हाँ अरे भाई यही बता रहे हैं, नहीं अरे ऑटो का नहीं, ऑटो में जाने के लिए, लेकिन फिर जाना पड़ेगा। भैया भैया एटीएम कितना दूर है? एटीएम फिर चले जाइए। सर अगर मैं आपको फ़ोन पे कर दूं तो आप मेरे को 500 रुपये दे सकते हो? तो मैं आपको फ़ोन कर पाँच सौ रहेगा तब तो दूंगा मैं आप। अच्छा कैश पूरा स्टेशन में कहीं एटीएम नहीं है, ये बहुत बड़ा बात लगा मेरे को। एटीएम वहाँ चले जाओ ना, कहाँ कितने बजे गाड़ी है आपको? नहीं गाड़ी नहीं, मैं वो टिकट वो रिजर्वेशन करवाने आया था, और मतलब ना मैं ऐसी ट्रैफिक में फंस गया ना यहाँ पे, तो हड़बड़ी में सीधा आ गया एटीएम से निकालना भूल गया। ये बताओ ना पहले, मतलब आपको क्या मतलब पैसा चाहिए था ना? हाँ, कैश चाहिए था मेरे को। एटीएम यहाँ बगल में है वैसे, ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा ये रोड में जाओगे ना, रोड में जाओगे ना, 4-5 एटीएम है लाइन से। हाँ ज़्यादा दूर भी नहीं है। अच्छा बस क्या हम लोग लाइन में रात में 12-2-3 बजे जा रहा था ना, इसका मुझे फोन। सर आप मेरे को 500 रुपये दे सकते हैं, मैं आपको फोन पे कर देता हूँ। हमारे स्टाफ है, हमारे हम लोग लिमिट में पैसे रखते हैं। ठीक है मैं एटीएम से ही निकाल के लाया, स्टेशन अब पूछ के देखते हैं उनसे फोन पे कर दे रहा हूं, या फिर उनको बोलूंगा एटीएम बनवाओ आप स्टेशन में। सर एक हेल्प करेंगे क्या मेरी? मैं आपको फ़ोन पे कर देता हूँ, आप 500 रुपीस मेरे को दे देंगे क्या? एक्चुअल में यहाँ स्टेशन में एटीएम नहीं है कहीं पे। ओ कैश की ज़रूरत है मेरे को, या फिर 250 भी कर देंगे ना तो हो जाएगा। हेलो हेलो रुक मैं लेके आ रहा हूँ, एटीएम दूर है यहाँ से। हाँ वेट कर रहा हूँ मैं, लेकिन कोई एग्री हो तब ना। कहाँ पे हैं? रुक जा तू गाड़ी में। सर कर देंगे क्या? मैं आपको 250 अगर होगा तो मैं आपको फ़ोन पे कर देता हूँ। तो मैं आपको फ़ोन पे कर देता हूँ, आप प्लीज़ मेरे कैश दे दीजिए। ठीक है करो। एक्चुअल में ना मैं ये सोचा कि स्टेशन में वो हो गई, बिलासपुर में है, बिलासपुर में। हाँ नंबर 94506। इसमें मैं 250 कर देता हूँ, 250 कर 500 कर देता हूँ, देख लीजिए आप है तो 500 कर दूँ।
मैं सीनियर इंजीनियर जनरल मोटर्स जनरल मोटर्स हाँ बढ़िया पोस्ट है। हाँ कोई जा रहा है क्या इधर? मेरे को बैंगलोर जाना था एक्चुअली में। मैं रास्ते से होते हुए आया और यहाँ पे ना मंगला के पास ट्रैफिक में फंस गया और चारों तरफ वो था। ठीक है, थैंक यू।